प्रेम साइडा आसंतु सुनिबा आजिर प्रशांति अनुचिंता जणे आध्यात्मिक प्रत्याशी निमंते शुद्धता कहिले कौन बुझाए भगवान आजी प्रेमपूर्ण भावरी एक अभूला उदाहरण सहित आमको अति उत्साहित करछन्ते जहाकु आमे केबे भी भूली पारिबा नाही। उभय आंतरिक एवं बाह्य शुद्धतार आवश्यकता रहिछि। बाह्य शरीर शुद्धता केवल भौतिक स्तर सहित संपर्कित अटे। स्नान परिष्कार वस्त्र परिधान पुष्टिकर खाद्य ग्रहण इत्यादि विभिन्न शुद्धि क्रिया अंतर्गत अटे। आंतरिक शुद्धता बिना केवल बाह्य परिच्छन्नता कोनोसी मूल्य नाही। विज्ञ व्यक्ति थारु आरंभ करी जणे साधारण मनुष्य पर्यंत समस्त हृदय शुद्धता भूली जाई केवल बाह्य शुद्धता विषय चिंता करी थांते। जेते भल खाद्य सामग्री होई थाउ ना काहे कि रंधा हेबा पात्र जदि परिष्कार न थाए तेबे खाद्य नष्ट होई जीव। जणे मनुष्य पाई हृदय हेउछि सेही पात्र। एहा जे परिशुद्ध एवं निष्कलंक रहे सेथिप्रति ध्यान रखिबा आवश्यक। हृदय शुद्धता पाई प्रत्येक निजकु सेवा कार्यरे नियोजित करिबाकु ही पड़िबो। आसक्ति एवं घृणा भाव मनकु कलुषित करि दिए। निष्काम सेवा उपर ध्यान केन्द्रित करिबा द्वारा एहा दूर करि हेबो। केवल हृदय शुद्ध रहिले ही निष्काम सेवा संभव पर। तेणु जणे उत्तम भक्त पाई उभय शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता आवश्यक। उक्त दिव्य संभाषण टी भगवान नवेम्बर 20 तारीख 1990 मसीहारे सूचाई देथिले। कहिबार तात्पर्य शताधिक वक्तृता शुणिबा किंपा सेगुडी को अन्य मानंकु सुनाइबा अपेक्षा एक प्रकृत सेवा कार्यर समर्पण भगवान का कृपा आकर्षित करिथाय। जय साईं राम।